الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يريد العزة فلله العزة جميعا میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو लोकी सारे सौ गए तुसी क्यों जागते हो चमक चमक के बने जीनत आसमान दी थले झुक झुक के की झांकते हो मैनू क्या फलकदे तारिया ने वाह पेश ना साड़ी कोई जाम दिए दिल करदे फलक छड़ के हमजा विलाज कलोनी दी मस्जिद के अंदर आ पई है जिथों आवाज़ कुरान दी आ रही है। तमाम किस्म दी हमदो शना अल्लाह सुबहानहु व ताला वास्ते जिस अल्लाह दा साडे ते बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि अल्लाह रहीम व करीम ने सानू अपने दीन दी अपनी तौहीद दी समझ अता फरमाइए। दरूद सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी साथे गिरामी उते कि जिस नबी मुहतरम ने इस दीन हक्का दी खातर बड़िया तकलीफा उठाइया और सानू सिराते मुस्तकीम दा रस्ता दसिया। साहेबो असी साथियो दोस्तों बुजुर्गो काबिले सद्दे एहतराम मुहतरमा मुकरमा मुअस्समा मेरी माओ और बहनों अज दे अजीम शान प्रोग्राम जो कि 25वीं रात है और खत्मे कुरान दे मौकिया थे दुआ है कि अल्लाह पाक सानू सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। इस पास बहुत ही आमीन दी आवाज़ आउंदी इधरों घट आउंदी इधर जवान बैठे ने इधर बुजुर्ग बैठे ने। मैं शुक्र गुजार हाँ अपने भाई डोगर साहब दा और फजीलत शेख हाफिज नज़ीर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला उन्हां दा कि जिन्हां ने दोबारा तुहाडे नाल मुलाकात का मौका फराहम किया है। ये अल्लाह की रहमत और दीन दियां बरकतां ने वगरना साढ़े जैसे
गुनेगार बंदे और साडे नालों कई सोहणे जिहड़े बेचारे सड़कां ते रोड़ियां कुटदे फिरदे ने, मजदूरियां करदे फिरदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी अल्लाह दे अगे दुआ है, अल्लाह जिवें इस मस्जिद के अंदर मिल के बैठे हैं, अल्लाह में जन्नत अंदर बैठना नसीब फरमाई। तो यह वे वे बंद अगर आ गया तसीफ लै आओ यार, एडी गर्मी तो है कोई नहीं। यह जवान जड़े ने इतने लै आओ, बच्चे अगे पाए ने, अगे आ जाओ माशाल्लाह, कुछ नहीं हुंदा, आ जाओ। मैं ना अपनी तकरीर शुरू करन तो पहलो एक हदीस उसां दे गोज़ गुजार करनी है, तो बड़ी तवज्जो ना तुसां सुननी है, क्योंकि साडा यह दावा है कि असी कुरान हदीस नूं सुन के तो उहदे ते बड़ा अमल करने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी दे अंदर वाज़ फरमा रहे ने, ते तीन बंदे इंज मस्जिद दे कोलों गुजर रहे ने। एक बंदा उन्हां दे विचों, उन्हूं बड़ा दिल दे अंदर एहसास पैदा होया कि मैं भी यार जाके वाज़ सुनना, उन्हां बड़ा करीब आके बह गया मेरे महबूब दे। और दूसरा उन्होंने विचों उन्हें वेख्या रश बड़ा है, मस्जिद भरी है, लोगों का हजार रखिया, जिथे जगह मिली ना उत्थे ही बह गया। तीसरा उन्होंने विचों वो अगे गुजर गया, मूँह फेर लिया तो अगे गुजर गया, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, इन तिना का यह हाल है जिस बंदे ने मूँह फेर लिया तो अगे गुजर गया ना, अज इन्हें अल्लाह के दीन तो मूँह फेर लिया, कल क्यामत के दिन अल्लाह ये तो मूँह फेर लैणगे। सुभान अल्लाह। और दूसरा वो बंदा जिन्हें लोगों का हजार रखे है कि उन्होंने परेशान नहीं किया, कल क्यामत का दिन होएगा, इन्हें अज लोगों का हया रखे, अल्लाह यदा हया रखे। और तीसरा वो बंदा जेड़ा मुहब्बत लैके किताब और सुन्नत दी मेरे करीब आके बैठ गया है, इमाम कायनात फरमा देने अज ये मेरे करीब आया, कल क्यामत के दिन अल्लाह नू अपनी रहमत के करीब कर लेंगे। हुण तुसां हदीस सुन ली है भी जे अल्लाह की रहमत के करीब होना चाहते हो तो अगे मेरी गल सुन के तो तुसीं अगे नहीं आए, हुण तुसां मेरे नबी का फरमान सुन लिया, अगर तुसीं अगे नहीं आना तो तुहाडी मर्जी है भी, क्योंकि नबी का फरमान सुन के अगर जे बंदा उहदे ते अमल नहीं करता, कहिंदा अंदर गर्मी है तो बाहर बड़ी ठंड है, तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, असीं ठंडा वेख लईए तो कल कबर के अंदर पता नहीं की बनना है। दुआ करो अल्लाह पाक, दो दिन ही धुप पई है ना, तो माशाल्लाह सारे कहन लग पे यार रोज़ ने दस्या है, अल्लाह ने जिहड़ा पैकेज दिता सी ना वह खत्म हो गया, जिहड़ा को पहले 15-16 रोज़ का पैकेज सी ना वह खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के नाल जिहड़े अहले ईमान ने वह चाहे सर्दी होए चाहे गर्मी होए वह अपने रहमान नूं राजी करन वास्ते रोज़े जरूर रखते ने और रखते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के नाल। जिस मुकाम नूं मैं तुसां अहबाब दे गोश गुजार कीता है, दुनिया के अंदर इंसान बहुत सारिया चीज़ों ना मुहब्बत करता है प्यार करता है। मैनू ना बड़ी खुशी हुई, मैं बाहर आके बैठा ना, छोटा जिहा बच्चा एक ऐ जिहड़ा मैनू कहिंदा तुसीं जिहड़ी तकरीर करके गए जी ना, मैनू बड़ियां गल्लां याद ने। मैं कहा किहड़ी तैनू याद, कहिंदा जिहड़ा तुसीं कहे सी ना पेट समंदर मछली अंदर, यानी अल्लाह इन्हां बच्चों दीन का दाई बना छे, उची आमीन कह दियो, अल्लाह ने बच्चों कुरान का हाफिज और आलमे बामल बना छे, कि बच्चों के दिलों के अंदर बात बड़ी बैठती है, इस वास्ते अपने बच्चों की तरबीयत अच्छी करया करो, अज अच्छी तरबीयत करोगे कल तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाएंगे। इंसान दुनिया से बड़िया चीज़ों नाल प्यार ते मुहब्बत करता है, लेकिन खास करके चार चीज़ा ने
जिन्हां नाल बंदा बड़ा प्यार करता है, बड़ी मुहब्बत करता है, वह किहड़ियां चार चीज़ां ने? एक तो बंदा अपने मालो दौलत नाल बड़ा प्यार करता है, दूसरे नंबर पर इंसान अपनी औलाद नाल बड़ी मुहब्बत करता है, तीसरे नंबर पर इंसान अपनी जान दे नाल बड़ा प्यार करता है, चौथे नंबर पर इंसान अपनी इज्जत दे नाल बड़ी मुहब्बत करता है। और बाद दफा जिंदगी दे अंदर ऐसा टकराव होंदा है, इन्हां मुहब्बतां दा आपस दे अंदर टकराव होंदा है, या किसी ऐसी चीज़ नाल टकराव होंदा है कि इंसान इज्जत हासिल करने वास्ते औलाद की कुरबानी भी दे देंदा है, इज्जत बचाने वास्ते पैसे की कुरबानी भी दे देंदा है, हत्ता के इज्जत बचाने वास्ते औलाद पैसा अपनी जान की कुरबानी भी दे देंदा है कि लोग कहणगे चलो मरते गया इज्जत तो बचा गया कि नहीं बचा गया। जिवें बड़ी मशहूर बात जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो जो फांसी होने लगी तो उन्हें कहना इतने साइन कर दे और बाहर टुर जा ते तेरी जान बख्शी हो सकती है, उन्हें आख्या मरना तो फिर भी है, लेकिन लोग याद तो रखे ना कि इन्हों की गल मान के मुल्क छड़ के नहीं गया, जान दे दी है, इज्जत बचा गया। बेऐन ही अज भी तकरीबन हर बंदा अपनी इज्जत के नाल बड़ा प्यार करता है, अपनी इज्जत के नाल बड़ी मुहब्बत करता है, औलाद की कुरबानी भी देने तो दरेक नहीं करता, अपनी जान दे देता है। खुदा ना खास्ता किसी भी इलाके के अंदर रोज़मर्रा तुम सोशल मीडिया से पढ़ते हो अल्लाह ना फरमाए को औलाद ने ऐसा काम कर लिया, जिहड़ा कोई शरीफ बंदा है ना वो वेख के ना नहर अंदर छाल सुन के नहर अंदर छलांग मार देता है कि यार मेरी औलाद ने यह काम किया, मेरे बेटी ने या मेरी बेटी ने, हुण मेरी इज्जत पर दाग लग गया, मैं जिंदा रह के की करना है। यानी अपनी इज्जत बचाने वास्ते अपनी जान दे देता है, अपनी जान से खेल जाता कि मेरी इज्जत बच जाए। और असी इज्जत हासिल करने वास्ते पता की समझने कि इज्जत वाला वो बंदा है जिहदे कोल दुनिया का मालो दौलत है, इज्जत उस बंदे की है जिहदा बड़े बड़े लोगों के नाल ताल्लुक है, इज्जत उस बंदे की है जिहदी जनाब बहुत बड़ी कोठी ते बंगला है, इज्जत उस बंदे की है जिहदी बरादरी के अंदर जनाब बड़ी बल्ले बल्ले, इज्जत उस बंदे की है जिहड़ा जनाब डेरेदार है या कोई बड़े ओहदे ते फायज है, उस बंदे की इज्जत है, इज्जत उस बंदे की है जिहदे कोल बहुत बड़ा बिजनेस है और उहदे कोल बड़े डालर ते बड़े रियाल ते बड़ा बैंक बैलेंस है, या असीं समझने आ कि इहदा बेटा बहुत बड़ा जनाब वो बड़े ओहदे ते वे बड़ी सीट ते बैठा है, वो बड़ी बड़ी वड्डी सीट ते बह के बड़ा काम कर रहा है, वकालत कर रहा है, बैरिस्टर बन गया है, बहुत बड़ा जनाब MBA करके बिजनेसमैन बन गया है, असी समझने बड़ी इज्जत है, या असी ये समझने कि फलां दा बेटा बाहर यूरोप के अंदर चला गया है जनाब बड़े माल कमा रहे हैं उत्थे बड़ी इज्जत है, अमरीका के अंदर अपना कारोबार है यार बड़ी इज्जत है, फलां दे कोल जनाब 1.5 करोड़ की लैंड क्रोजर है बड़ी इज्जत है, फलां की दुकान बड़ी चलती है, फलां का जिमीदारा बड़ा है। असी इन्हां झूठियां इज्जतों वास्ते बड़ा कुछ करने हैं और असी समझने कि इन्हां चीज़ों की वजह तो इज्जत है, नहीं 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 नहीं, इन्हां चीज़ों की वजह तो इज्जत नहीं, बल्कि सारिया इज्जतों का मालिक कौन है? बोलो बोलो, सारिया इज्जतों का मालिक कौन है? सारिया इज्जत किसके वास्ते ने? अल्लाह वास्ते ने। अल्लाह फरमांदे ने मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीआ, मेरा अल्लाह इज्जतां दा मालिक है, वो चाहे ते जिन्हों इज्जत दे छड़े, जिन्हों मेरा अल्लाह इज्जत देन ते आ जाए सारी दुनिया मिलके जलील नहीं कर सकती, जिन्हों मेरा अल्लाह जलील करन ते आ जाए सारी दुनिया मिलके उन्हों इज्जत नहीं दे सकती। मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह दा कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तो तिल मुल्क मन तशाऊ
वतन से उल मुल्क मिमन तशाउ वतु इज्जु मन तशाउ वतु जिल्लु मन तशाउ बियद कल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन चावे ते इज्जतां दे देवे मेरा अल्लाह चावे ते जिन्हों इज्जत दे देवे कायनात दे अंदर ओनू सलील कोई नहीं कर सकदा ओ ते मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने मेरे अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर एवें ते किसे कहन वाले ने नहीं किया ओए तख्तां ते बह के जेड़े ओए मौज लुट दे चावे ते उठा के ओना जेल सुट दे ओ जेड़े कदी वजीर सन अज जेलों के अंदर ने वो जेड़े जेलों के अंदर सन अज जनाब वजारतों दी कुर्सियां ते बैठे ने वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो सिलो मन तशाओ मालिका ना योरी दुल इज्जत फलिल्लाह इल्म इज्जत जमीआ तख्तां ते बह के जेड़े ओए सुन अपने खालक दियां कुदरतां दे तज़करे ओए तख्तां ते बह के जेड़े ओए मौज लुट दे चावे ते उठा के ओना जेल सुट दे ओए कैदी बने अज जेड़े ओए कल दे वजीर अल्लाह ही अला कुले शैइन कदीर ओए चाहे फिरौन जे मूसा ताई मारना रब सच्चा आखे मैं तेरे घर पालना ओए आखे मूसा ताई फिरौन जे मैं मारना रब सच्चा आखे तेरे घर पालना ओए एदे हथों मौत तेरी आउणी है अखीर अल्लाह ही अला कुले शैइन कदीर यूसुफ नू पाइयां खूह विच सुट्टिया करके गुलाम फिर वेच सुट्टिया यूसुफ नू पाइयां पहले खूह विच सुट्टिया करके गुलाम फिर वेच सुट्टिया ओए आए दाने लैने ओ बन के फकीर एक दिन ऐसा आया जिस यूसुफ नू वेचया गया जिस यूसुफ नू मिस्र दे बाजारां दे अंदर वेच दिता गया जिस यूसुफ नू इन्हां खूहां दे अंदर सिट दिता गया ए मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने एक दिन आया इंज करके अल्लाह दा नबी यूसुफ मिस्र दे तख्त ते बैठा है ते कहंदे ने रब कद आतई तनी मिनल मुल्की अल्लम तनी मिल तावील अहादीसी फातिर समावाति वल अर्ज अंत वलीजी फिर दुनिया वल आखिरा तवफनी मुस्लिम व अलहकनी बिसालही अज वो होई वीर जेड़े ने इंज करके जनाबे यूसुफ दे सामने फकीर बन के आ गए ने इज्जतां दा मालिक कौन है मलका न युरीदुल इज्जत फलिल्लाह इज्जत जमीआं सारियां इज्जतां मेरे अल्लाह वास्ते ने सारियां इज्जतां दा मालिक मेरा अल्लाह है ओ चावे ते इज्जतां अता कर देवे ओ चावे ते जनाब ओनू कायनात दे अंदर सलील कर देवे ओए मत समझिया कर पैसिआं नाल इज्जत मिलदी है मत समझिया कर डेरेदारी नाल इज्जतां मिलदियां ने ना ना मेरे वीर मेरे बरादर आ मैं तेनू कुछ चंद ऐसे अमाल दसना चाहना अगर चाहना है कि कायनात दे अंदर इज्जत मिल जाए मुआशरे दे अंदर इज्जत मिल
मिल जाए, बरादरी के अंदर इज्जत मिल जाए, इलाके के अंदर इज्जत मिल जाए, बल्कि दुनिया तो जाए तो तेनों इज्जत के नाल ले जाया जाए, कल कबर के विचों उठाया जाए तो इज्जत के नाल उठाया जाए, कल मैदान मैशर के अंदर इज्जत मिल जाए और कल तेनों इज्जत के नाल जन्नत के अंदर दाखला नसीब हो जाए। आना पहला मलेवे इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यज़ऊ बिही आख़रीन। अल्लाह ने इस कुरान की वजह तो इन तीन पारियां की चिट्ठी की वजह तो अल्लाह ने लोगों नू कौमां नू इज्जत अता कर छड़िया ने। अज वेखो ना सारे पिछे खड़े होंगे ने, माड़ी जी बरादरी है, काला जिहा रंग है, वह मुसल्ला इमामत ते खड़ा होंदा है। है किसी की जरूरत के उहदे नालों पहलो रुकू ते चला जाए, है किसी की जरूरत के उहदे नालों पहलो सजदे विचों सर उठा ले। अगर चाहना है कायनात के अंदर इज्जत मिल जाए फिर अपना ताल्लुक रब दे कुरान दे नाल जोड़ ले। अगर चाहना है कि कायनात के अंदर तेनू इज्जत की नज़र के नाल देखा जाए फिर इन्हें दुनिया दियां वजारतां ते सदारतां दे अंदर इज्जत नहीं बल्कि इज्जत ते रब दे कुरान दे नाले इज्जत मिलेगी अल्लाह दे कुरान दी वजह तो। जिन्होंने कुरान नाल अपना तालक जोड़िया है, कुरान दे नाल अपना जनाब रिश्ता नाता जोड़ लिया है, ये इज्जत नहीं कि कुरान नूं बड़े सोहणे गलाफ दे अंदर लपेट के ते अलमारी दे अंदर रख दिता जाए, नहीं नहीं बल्कि कुरान नूं पढ़ना है, इहदे ते अमल करना है। जिहड़ा बंदा कुरान नूं पढ़दा है इहदे ते अमल करदा है अल्लाह उस बंदे नूं कायनात दे अंदर इज्जत अता कर छड्दा है, अल्लाह उस बंदे नूं कायनात दे अंदर मुकाम अता कर छड्दा है, अल्लाह उस बंदे नूं कायनात दे अंदर रिफतां ते बुलंदियां अता कर छड्दा है। ये कौन कह रहे ने? आमिना दे लाल फरमा रहे ने, उस पैगंबर की जुबान तो ऐलान हो रहे हैं जिन्हां पैगंबर के बारे रब का कुरान कह रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने लकद जा أَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ। जंगे उहद दे मौके आते मेरे आका अलैहि सलात व सलाम इंज करके शुहदा नू एक कबर के अंदर दो दो बंदे एक कबर के अंदर दो दो बंदियां नूं मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम इंज करके दफना रहे ने ते मेरे आका फरमांदे ने पहलों उन्हू लैके आओ जिन्हों कुरान ज्यादा याद है, पहलों मैं उन्हू कबर के अंदर रखना है जिन्हों कुरान ज्यादा याद है, कुरान नाल जो ज्यादा प्यार करदे कुरान जिन्हों से ज्यादा याद है। इतों मालूम होंगे जिदे सीने के अंदर रब का कुरान है, जड़ा कुरान नाल मुहब्बत करद कुरान नाल प्यार करद कुरान नाल अकीदत करद। कबर के अंदर आमिना दे लाल अलैहि सलात व सलाम उस बंदे नूं पहलों रख रहे ने, ये इज्जत अल्लाह ने अता कीतियां ने क्योंकि अल्लाह फरमाते ने मन कान युरीदुल इज्जत वलिल्लाह इज्जत जमी। जेड़ा बंदा चाहता है कायनात के अंदर इज्जत मिल जाए, मैनू अपने इलाके के अंदर हल्के के अंदर इज्जत मिल जाए, पहला मलेवे के कुरान दे नाल प्यार करे, कुरान दे नाल अकीदत करे, कुरान नू पढ़ के उहदे ते अमल करे, ओए ते दुनिया ते इज्जत ने। कल कयामत दा दिन होएगा इहदे वालदयां नू भी ताज पहनाया जाएगा, इह जन्नत दे विच जाएगा, नाले इंज करके कुरान दियां तिलावतां करदा जाएगा, जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़ता जाएगा, इंज करके जन्नत दियां बुलंदियां ते चढ़ता जाएगा, जन्नत के अंदर नज़ारे लैंदा जाएगा। ऐ वेख मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम इंज करके एक बंदा फौत हो गया, मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ए दी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे ने, किन्ने वो मुकद्दर वाला बंदा है कि जीदा जनाजा आमिना दे लाल मुहम्मद पढ़ा रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज असी फोन करने जी फलां शेख साहब वो बड़े नेक ने मुत्तकी ने आके जनाजा पढ़ान, मेरा भाई फौत हो गया,
मेरी अहलिया फौत हो गई है। और फिर बड़े बड़े जनाजे दे नाल अमीर लोग आते हैं, कई जनाजिया दे नाल फिर असी दसने कि वेखो ए भी मिनिस्टर आया जनाजे नाल, MPA आया, जनाब राणा सनाउल्ला साहब आए ने, जनाब फरक भीम साहब आए ने, जनाब फलाना चौधरी आया। उस जनाजे दे क्या कहने, और जनाजा पढ़ाने वाले आमिना दे लाल होण ते पीछे पढ़ने वाले मेरे पैगंबर दे यार होणगे। कैसे उस बंदे दी इज्जत ते मुकाम है। मेरे पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया मस्जिद नबवी दे अंदर, ते जदों जनाजा पढ़ा के इंज करके लैके जा रहे ने, मगरब दा वक्त शाम दा वक्त, ते मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम लाल टैन पकड़िए दीवा पकड़े इहदे जनाजे दे नाल चलते जा रहे ने। है बंदा माड़ा है, गरीब है, माड़ा है, लेकिन दौलतां दे नाल इज्जतां नहीं मिलदियां। मेरे पैगंबर इहदे जनाजे दे नाल जा रहे ने। ओ यार, तू ही अज किसी का जनाजा पढ़ेगा ना, तो कल कोई तेरा जनाजा भी पढ़ने वास्ते आएगा। अज तू किसी के जनाजे दे नाल कब्रस्तान जाएगा, और कल कोई तेरे जनाजे नाल कब्रस्तान में जाएगा। और याद करया कर, याद करया कर, ये दुनिया दे इन्ना ना खुब जा। कभी वेख्या तुसी जनाजे ते 2 मिनट जनाजा लेट हो जाए तो बंदे पिछों बोलन लग पैणगे, और जल्दी करो जी बंदे आ गए ने, जल्दी करो जी समा बन गई ने। हाय हाय, उंज उदों जिंदा सी ना जदों कहिंदा सी मैनूं तेरे नाल बड़ा प्यार है, मैनूं तेरे अज तेरी मुहब्बत का पता लग नहीं गया कि तू तो जनाजा 2 मिनट लेट हो गया, तो तू तो जनाब अपने आप तो बाहर हो गए। और फिर कहना जाके दुकान खोलनी है, जाके कारोबार करना है, ये करना है, वो करना है, ना ना मेरे वीर मेरे बरादर। और यार, अज दुनिया की खातर तू जनाजे के अंदर शिरकत नहीं करता, अज दुनिया की खातर नमाजा नहीं पढ़ता, अज दुनिया की खातर रब दे कुरान तो दूर हो गए हैं। कहना माल कमावगा तो इज्जत मिलेगी, और मिलना वो ये जो तेरे नसीब में लिखे है, क्यों भी नसीबा तो वाद कोई मिलना। और बोलो का सारे, जेड़ा नसीब ज रब ने लिख छड़िया उन्नी देर तक मौत ही नहीं आनी, जिनी देर तक असी कमा नहीं लेना तो खा नहीं लेना। हाय हाय, जो कुछ लिखे आए विच नसीब साडे, एक एक लफज ते गौर कर, जो कुछ लिखे आए विच नसीब साडे, ओहो तू लैना ओहो मैं लैना, तेरिया मेरिया आकड़ा किस कारण। ना मान करया कर अपनिया दौलतां ते मुरब्बियां ते, ओए तेरिया मेरिया आकड़ा किस कारण, तू भी टह पैना मैं भी टह पैना, ओ सदा आया ते ओए बुकलाई मार टुरना, ओए मस्जिद दे स्पीकर दे अंदर ऐलान हो जाएगा आज आज फलां चौधरी दा जनाजा है, आज आज फलां कारी साहब दा जनाजा है, आज आज फलां साहब दा जनाजा है। ओए सदा आया ते बुकलाई मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, वो तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, वो दुनिया ते तू भी मुसाफिर है मैं भी मुसाफिर हाँ, वो तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। आ
ना मेरे वीर मेरे भरा देर अगर कायनात इज्जत चाहना है, कायनात के अंदर मुकाम चाहना है, बरादरी के अंदर इज्जत चाहना है, इलाके के अंदर इज्जत चाहना है, अल्लाह दियां नजरां के अंदर इज्जत चाहना है, मेरे आका लाल टैन पकड़िए इहदे जनाजे दे नाल टुरदे जा रहे ने, इज्जत इहनूं अता कीतियां ने, मन का ना युरीदुल इज्जत वलिल्लाह इल्म इज्जत जमीआ। इस माड़े जे बंदे नूं इज्जत अता करन वाला कौन है? हाय हाय, कब्रस्तान दे अंदर टुर गया, कब्र दे अंदर उतारे मेरे पैगंबर अपने गोरे गोरे हत्थां दे नाल, एदी कब्र ते मिट्टी भी आप ही पौंदे ने। हाय हाय, कितना असीम इंसान है और जिहदी कब्र ते मिट्टी दो जहाना दा सरदार पा रहे है, जिहदी कब्र ते मिट्टी हसन हुसैन दे नाना जान पा रहे ने, कितने मुकद्दर थे, कितनी इज्जत दा मालिक है वो बंदा। फिर मेरे महबूब ने बाद अंदर दफना के मेरे पैगंबर कब्र ते खड़े होके एदी रहमत ते बख्शिश दियां दुआवां कर रहे ने, और कब्र के अंदर साबत कदमी दियां दुआवां कर रहे ने। हाय हाय, कितना अजीम शान बंदा है, कितना मुकाम मिले है। ते कोलों ना फिर एक बोल ही पिया, कहिंदा है सोणिया इहदा जनाजा भी आप पढ़ाया जे, जनाजे नाल कब्रस्तान अंदर भी आए जे, अपने गोरे गोरे हत्थां दे नाल कब्र ते मिट्टी भी आप ही पाई जे, ते बड़ी लंबी दुआ मंगी जे, ए अल्लाह दे पैगंबर एदे अंदर केड़ी अदा ऐसी है, एदे अंदर केड़ियां खूबियां ऐसियां ने जेड़ियां तुहानूं पसंद आ गईयां ने, जेड़ियां तुहानूं पसंद आईयां ने, के तुसी एदी केदे नाल इन्ना प्यार कीता। पता की क्या मेरे महबूब ने, मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबा, ए अल्लाह दा कुरान बड़ा पढ़दा सी, ए कुरान दे नाल बड़ी मुहब्बत करदा सी, ए दे सीने दे अंदर रब दा कुरान सी, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अकमाम व यज़ऊ बिही आखरीन, अल्लाह ने कुरान दी वजह तो, अल्लाह ने कुरान दी वजह तो इज्जत अता कर छड़िया ने, मुकाम अता कर छड़े। इस वास्ते मैं कहना आ मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना, आ मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना, आ लग जा नबी दे आखे, आ लग जा नबी दे आखे, रब देवेगा जन्नत आपे, ना कर तू जुल्म ते पापे, इत्थे बैठ सदा नहीं रहना, आ मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना, छड रस्म रिवाज तमामी, छड रस्म रिवाज तमामी, कर नबी दी कबूल गुलामी। अगर कायनात दे अंदर इज्जत चाहना है फिर रस्मां रिवाजां नूं छड़ना पएगा। अगर कुरान नाल तल्लुक है फिर कुरान कहिंदा है कि दाता कौन है, ओ बोलो कुरान ने की क्या, इज्जत अता करन वाला कौन है, औलादां देन वाला कौन है, करनियां भरनियां वाला कौन है, और मालो दौलत अता करन वाला कौन है, ओए जिंदगी नफे नुकसान दा मालिक कौन है। आ मन ले कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच कर लेना, छड रस्म रिवाज तमामी, कर नबी दी कबूल गुलामी, तेनू नूरी भी देन सलामी, पाल सुन्नत वाला गहना। जो बंदा जन्नत के दरवाजे ते पहुंचेगा, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, छड रस्म रिवाज तमामी,
कर नबी दी कबूल गुलामी तेनू होर भी देन सलामी पाला सुन्नत वाला गैना आ मन लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना आ चल खमके बैतुल्ला कर माफ गुना तेरे अल्लाह अल्लाह तुहानू सारयां नू मक्के लै जाए एडी ढिली आमीन है तो तुसी एयरपोर्ट ते भी नहीं जाना उची आमीन कह दियो ये ना क्या कर मैं माड़ा मेरे को पैसे कोई नहीं तू माड़ा है रब ते नहीं ना माड़ा वो जिवें किसे बंदे नू बंदा रेड़ी लाउंदा सी उहने कहा यार बड़ा दिल करता है पर मैं ना मक्के जाना चाहना पैसे कोई नहीं रेड़ी लाउंदा यार कि उहने कहा रेड़ी तू लाउंदा रब ते रेड़ी नहीं ना लाउंदा तू रेड़ियां लाना है अल्लाह ते अला कुल्ले शैइन कदीर है अल्लाह ते जो चाहे सो कर सकता मुसब्बिबुल असबाब है इस वास्ते दुआ करिया कर अल्लाह तेनु हरमैन दियां सियारतां नसीब फरमाए असीं इत्थे बैठे हाँ अज जिहड़े हरम दे अंदर हुण इस वक्त तरावियां पढ़ रहे ने मंजर उत्थे भी बड़ा प्यारा हुंदा है रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की बातें रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की ये जख्म है तैबा का जो हर किसी को नहीं मिलता कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की ओ जेड़ा बंदा चाहता है कि मैनू कायनात के अंदर इज्जत मिल जाए कायनात के अंदर मुकाम मिल जाए आ मन ले कुरान दा कहना इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहासल किताब आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन विच घर लैना आ चल खमके बैतुल्ला कर माफ गुना तेरे अल्लाह उदी रहमत दा फड़ पल्ला तारे उस दे बहरो लैना मेरा अल्लाह इज्जत अता करने वाला है क्योंकि अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे हैं मन का ना युरीदुल इज्जत फलिल्लाह इज्जत जमी सारिया इज्जत का मालिक कौन है इज्जत अता करने वाला कौन है वा तो इज्जु मन तशाह वा तू जिल्लु मन तशाह ओए मेरा अल्लाह चाहे इज्जत अता करन ते आए ते जनाब जेड़ा इन्ना मुशरकां दा चौधरी है अबू जाल अल्लाह नू जलील करके रख देवे जे मेरा अल्लाह इज्जत अता करन ते आ जाए ऐ जनाब काला जिहा रंग इन्ना बटना दी जगह ते कंडे लगे हुए ने ए हबशे दे रहन वाला गुलाम ए मेरे नबी दा पांगा बिलाल ए जनाब चल दा इंज करके ए मदीने दियां गलियां दे अंदर ते एदे पैरां दी आवाज अल्लाह जन्नत अंदर सुना रे आए ओए काला रंग ते हबशे दे रहने वाला काला रंग ते हबशे दे रहने वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके ओए कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफिर
हत्थां पैरां दियां तलियां विच किल ला के ओ बिलाल कवे मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लवो अपना टिल ला के ओ बिलाल कवे मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लवो अपना टिल ला के ओ रब ने हुसन बिलाल दा वंड छड़िया हर एक होर दे मथे ते तिल ला के ए मेरा अल्लाह इज्जत अता करने वाला है अल्लाह मेरा जिन्नू चाहे इज्जत अता कर देवे जिन्नू चाहे अल्लाह कायनात अंदर मुकाम अता कर छड़े रिफत अता कर छड़े बुलंदियां अता कर छड़े ओ पहला अमल है अगर कायनात अंदर इज्जत चाहना है अगर चाहना है मैनू इज्जत मिल जाए फिर रब दे कुरान दे नाल मुहब्बत कर कुरान दे नाल प्यार कर कुरान वालियां नाल प्यार करिया कर कुरान पढ़न वालियां नाल प्यार करिया कर कुरान सुनान वालियां नाल प्यार करिया कर आप भी कुरान पढ़िया कर जो कुरान दे नाल तल्लक जोड़ लवेगा अल्लाह तेनू इज्जत अता कर छड़ेगा ये पहला अमल है दूसरा अमल ये वे जेड़ा बंदा लोगों नू मुआफ कर देंदा जेड़ा बंदा असी ते मुआफ करते ही नहीं ना असी कहने ना ना हुण ते मेरी दाड़ थले आया है हुण ते बदला लैण दा टाइम आ गया है होनी ते दे कोल जनाब बदले लेने ने किन किन के वल काजिमी नल गई वल आफी ननास वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन बंदा गुस्से नू पी जांदा है लोगों नू मुआफ कर देंदा है वो जिवें कहिंदे ने ना जिहड़ा दरख्त झुक जाए उहनू फल लगदा है ते जिहड़ा सरू दा दरख्त है ना आकड़िया होया उहनू फल भी कोई नहीं लगदा ना उहदी कोई छां हुंदी है जिहड़ा दरख्त जनाब झुक जांदा है फल भी लगदा है लोग उहदी छां दे थले बैंदे ने इसे तरह जिहड़ा बंदा लोगों नू मुआफ कर देंदा है जिहड़ा बंदा लोगों दीयां गलतियां ते दरगुदर करदा है लोगों नू मुआफ करन वाला है लोगों के नाल जनाब बड़ी मुहब्बत के नाल पेश आने वाला है अल्लाह उस बंदे नू कायनात के अंदर इज्जत अता कर देवेगा अल्लाह उस बंदे नू कायनात के अंदर मुकाम अता कर देवेगा अल्लाह उस बंदे नू कायनात के अंदर बुलंदियां अता कर देवेगा इस वास्ते मुआफ कर दिया कर अगर कोई तेरे नाल ज्यादती करे उहनू मुआफ कर दिया कर उहदे ते दरगुजर करिया कर मेरे पैगंबर नू मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नू बड़ा सताया गया मेरे पैगंबर नू बड़े दुख दिते गए मेरे पैगंबर नू बड़िया तकलीफां दित्तियां गईयां वेखना ताइफ दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नू पत्थर मार मार के जख्मी कर दिता गया मेरे नबी दी जुत्ती जिहड़ी खून दे नाल तर हो जांदी है लेकिन मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम इन्हां नू मुआफ कर देंदे ने बल्कि कहिंदे ने पत्थर मारन वाले आया जे तू मेरे वल आवे ओ कसम खुदा दी सीने लावा ओ कसम खुदा दी सीने लावा कदी ना दोज़ख जावे युरीदुल इज्जत फलिल्लाह इज्जत जमीन सारिया इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है आकर कायनात के अंदर इज्जत चाहना है कायनात के अंदर मुकाम चाहना है कायनात के अंदर बुलंदियां चाहना है फिर कुरान नाल तल्लक जोड़ लै लोगों नू मुआफ करना सीख लै आइए तीसरा अमल होए जेड़ा बंदा रात नू उठ के अपने रब नाल हम कलाम हुंदे जड़ा पिछली रात उठ के अपने नरम दे गरम बिस्तर तो अलहदा हो जांदे इंज करके अपने रब दे सामने खड़ा हो जांदे ते पढ़दा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर कह दो सुभान अल्लाह
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين कदी अपने रब दे सामने जनाब गिड़गिड़ांदे ते पढ़दा है यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम उठ के क्या मुल्लेल करदे जेड़ा बंदा चांदा मेनू इज्जत मिले ए सारी दुनिया सुती है इकल्ला इंज करके रब दे सामने खड़ा है ते रोई जा रहा है मेरे अल्लाह भी आसमाने दुनिया ते आके ओए मांगो मेरे बंदिया मेरे कोलो की मंगना है मेरे कोलो रिजक दा सवाल कर मेरे कोलो अपने गुनाहां दीआं मुआफियां मंग तेरा काम मंगदा जाना है रहमान दा काम है तेनू अदा करदा जाना सारी दुनिया सुती है और अल्लाह दी कसम मैं ऐसे ऐसे बंदे वेखे ने जेड़े तहज्जद गुजार ने अल्लाह ने उन्हां नूं इन्नियां इज्जतां अता कीतियां ने कि लोग उन्हां ते रशक करदे ने अगर उन्हां दे कोई मुखालफ ही ने ना कंडियों वाले गल करनगे लेकिन जदों उहदे सामने जाणगे उस अल्लाह दे बंदे दा ऐसा रोह पैगा ऐसा दबदबा होएगा वह नजर चुका के कोलों की गुजर जाएगा तो सलाम करके जाएगा ये उस बंदे नूं इज्जत अता कीतियां ने ते किन्ने इस वास्ते अगर चाहते हो ए रुपइयां नाल इज्जत नहीं जे मिलदियां ए चौधर नाल इज्जत नहीं जे मिलदियां इन्हां सदारतां वजारतां नाल इज्जत नहीं मिलदियां बल्कि इज्जत मिलती है जे रब अता करे इज्जत मिलती है जे मेरा अल्लाह अता करे जे अल्लाह दे नाल चाहना है अल्लाह कोलो चाहना है इज्जत लेना फिर पिछली रात उठ के ओए वाह वाह लज्जती रात कियामे अंदर वाह वाह नशे ने पाक चामे अंदर कोट पी के ते वेखे कियामे अंदर तेनू लंघ गई है रात उताने नू छड नींद न मंजी प्यारी कर उठ मुसल्ले ते अशवारी कर इंज करके रब दे सामने खड़ा हो जा इंज मुसल्ला डाल जनाब घर दे कोने दे अंदर या आ जा मस्जिद दे अंदर तेरा रहमान तेनू आवाजा पिया दे रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने लबई का या अबदी आ जा मेरे बंदे मैं हाजिर हां आ जा अल्लाह दी कसमे सूर दी नमाज भी पढ़ने फजर दी नमाज पढ़ने असर मगरब इशा पढ़ने लेकिन जेड़ी लज्जत पिछली रात दे क्याम दे अंदर जेड़ी लज्जत अल्लाह पाक ने पिछली रात क्याम दे अंदर रखी है बड़िया लज्जत आउंदियां ने बड़ा मुकाम मिलता है ओए लज्जत भी अल्लाह अता करदे दुआवां भी अल्लाह सुनदा है ते अल्लाह कायनात दे अंदर इज्जत भी अता कर देंदा है मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाह इज्जत इज्जत अता करन वाला कौन है लगता भी तुम थक गए हो थक गए ना माशाल्लाह हाथ खड़े करो जेड़े थक गए ए वेखो हो ना वो एक बंदा ना है कोई हदीस की बात नहीं है मैं वैसे तुहानू एक मिसाल सुनाण लगा एक बंदा सी ना उहनू कम कोई नहीं लभदा बिल्कुल वेला अजकल तो वैसे माशाल्लाह तब्दीली है ये कम है ही कोई अल्लाह साडे कारोबारां दे अंदर बरकतां अता फरमा अल्लाह जिहड़े बेरोजगार ने उन्होंने बेहतरीन रोजगार अता फरमा दे अल्लाह रिज़्क़े हलाल खाने की कमाने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह जिहड़ी लहर आई है ना साडे मुल्क दे अंदर नवे पुराने पाकिस्तान की अल्लाह इस लहर नूं खत्म करके मेरे मुल्क दे अंदर अमन पैदा कर दे अल्लाह मेरे मुल्क दे अंदर सुकून पैदा कर दे अल्लाह मेरे मुल्क दे दुश्मनों नूं तबाहो बर्बाद कर दे और इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल व करम दे नाल
इनू मिटाने वाले मिट जाएंगे और ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदा और तबिंदा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक रहेगा अल्लाह दे फजल और करम ना पाकिस्तान भी जिंदा और तबिंदा रहेगा। इनू मिटान वाले मिट जाएंगे, इनू खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। क्योंकि इस मुल्क दियां दीवारों के अंदर, इस मुल्क दियां जनाब इन्हां नीयां के अंदर, बुनियादा के अंदर शहादा का खून है, बड़े बड़े उलमा का खून है, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां। इंशाल्लाह जिवें अल्लाह बंदियां नू इज्जत अता करने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इज्जत अता करनिया ने। कह दो इंशाल्लाह। वो बंदा सी ना ते काम कोई नहीं लभदा बिल्कुल वेला, कारी साहब वो ना एक दिन घर आया तो बेगम बैठी बेचारी परेशान, वो बेचारियाँ इंतजार च बैठिया होंगे ने, चलो को आए कोई हंडी रोटी पकाइए, कोई फ्रूट आए, कोई जनाब को पैसे आन, वो वेला आके बह गया कोल करमा वाले, हूँ तू ही दस बे की करिए। उन्हें पता की किया, कहती भी इंज कर दाड़ी रख ला तो मस्जिद मल लै, ऐ काम बड़ा सौखा ही, हालांकि ये कोई सौखा नहीं है एडा, ये एडा सौखा काम नहीं, पुछो कारी नज़ीर साहब नूं भी सौखा काम है कोई, ये बड़ा औखा काम है, बंदियां दियां गल्लां भी सुननियां, जिन्हों माशाला घर मेरी बाजी दूजी वारी सालन नहीं देंदी, आके मौलवी दे गल पै जांदा है, ये कोई एडा सौखा काम नहीं है, होणगे कोई उहो जिहा जिधर बड़ा सौखा काम है। वो जनाब कहिंदा वैसे गल तो तेरी ठीक है, भी चलो होर तो कुछ नहीं लभदा, चलो इंज ही सही। उन्हें जनाब ना दाड़ी रखी तो मस्जिद मल ली, तो बड़ा खुश भी है, तो मौजा लग गई ने जनाब, हलवे आ रहे हैं कि जनाब खीर आ रही ने, बड़ा जनाब नज़ारा बजा। कुछ चंद दिन लंघे ना तो मस्जिद के बाहर मेन गेट से ना एक मसले तो रौला पै गया। मसला की सी भी इस्लाम के अरकान किन्ने, भला किन्ने ने, ढिले ढिले बोलते जी, मैं तुम्हें शक के किन्ने ने, किन्ने अरकान ने, वो ना एक कहता है पांच, तो दूजा आंदा नहीं दस, एक बोलिया आंदा नहीं नहीं यार दस भी नहीं पंद्रह, वो आपस में ना लड़न लग पाया। उधरों हजरत साहब भी माशाल्लाह बाहर आ गया, उन्हें कहा चलो यार आपस लड़ो ना, तो आप हजरत साहब को पूछ लें आपे मसला हल हो जाएगा। उन्हें कहा हजरत साहब इधर वापस आओ, उधर आके मसला दसो। वो बेचारा मेरे वर्गा सी, मैं तो कोई आलम है नहीं, यह तो बस अल्लाह के कुरान की वजह, थोड़े लोगों की वजह तो मुहब्बत मिली है, मैं तो बड़ा आदना जहा कारकुन हाँ, अपने उलामा का खादम हाँ। तो वो जो उन्हें वापस वो लाया ना, तो कहता लै भी अज फसे, अज काम खराब होना है। उन्हें कहा हजरत जी दसो भी इस्लाम के अरकान किन्ने ने, सोच सोच के तो कहता दस। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया भी यार इनू बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, जिन्हों पांच जिन्हों पता सी ना, उन्हें कहा यार ये तो बिल्कुल ही क्या पता है। उन्हें कहा हजरत जी मजाक, उन्हें कहा समझ मजाक कर रहे, उन्हें कहा मजाक ना करो मौली साहब सही दसो, इतने हालात बड़े खराब होए पे। कहता पंद्रह, दो खड़काइया ना तो कहता भी, उन्हें होर दो लाइया तो कहता पंजी, वह कुटते जाने तो वादा जाए, कहता पंजी। उन्हें कहा दफा जा, अज तो बाद मस्जिद च नहीं, तेनों तो इन्ना ही कुछ नहीं पता। घर गया तो जनाब मूँह बेचारे का लाल होया, अल्लाह वाली बैठी इंतजार कर रही। उन्हें कहा मैं सदके जावा, कितों आए खैर है, आना मैं तू ही फसाया, तू कहनी सर काम बना के सौखा ही, तो आ साइया अच मैंने कुटिया, तो नाले मस्जिद च भी कढ़ दिता उन्होंने। उन्हें कहा भी क्यों बई, अखे मेरे को मसला पूछया। वो कहती की मसला पूछया, अखे उन्हें मेरे को इस्लाम के अरकान पूछे ने, तो मैनू आए नहीं, तो उन्होंने मैं मस्जिद कढ़ दिता है। तो अगो अल्लाह वाली कहती है लो, तो ये कड़ा कोई मुश्किल सवाल से, तुम कह देना सी पंज, तो जुत्ती ला के कुटन लग पा, कहता पंजी आखे तो मने नहीं, तो पंजा तो उन्हें किवें मनना, पंजिया ने तो मने नहीं हो, इन्ने में दसे ने पंजी, तू कहनी पंज, यानी कि बिल्कुल ही बेदीन बंदा। अल्लाह तुहानू सारयां नू दीन दी समझ अता फरमाए। मैनू यकीन जानो बड़ी खुशी हुई जदों अज बच्चे ने गल की ना, मैं कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे भी तुसीं पढ़े लिखे हो, फिर कारी साहब माशाल्लाह इन्नी मेहनत करते ने, तुहानू मसाइल दसदे ने, मैं तो एवें शेर शूर सुना के ते आ वक्त टपा के टुर जाना है। असल ते माशाल्लाह
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜੋੜਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਨਾ ਯੂਰੀਦੁਲ ਇੱਜ਼ਤਾ ਵਲਿੱਲਾਹਿ ਇੱਜ਼ਤੁ ਜਮੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆ ਨਾ ਚੌਥਾ ਮਲੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਬੇਅਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਿੰਧਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਨਾ ਯੂਰੀਦੁ ਇੱਜ਼ਤਾ ਵਲਿੱਲਾਹਿ ਇੱਜ਼ਤੁ ਜਮੀਆ। ਵੇਖਣਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਫਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਟੁਰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਲਾਠੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ, ਓਏ ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਜਦ ਬਾਪ ਸਹਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ।
एक एक लफ्ज़ ते गौर कर जे बाप जिंदाई ते कदर कर ले ओए मुक तुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे अपने होन पराए रिश्ते टुट जांदे ओए थां थां उते हौका भरना पैंदा ए जिथों सी नहीं डरना उथे डरना पैंदा ए ओए बाप दा उठ जाए साया ते सारे उठ जांदे टुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे ओए नाल प्यार दे सीने नाल जो लौंदा सी मोड़ियां उते चुक चुक लाड लड़ौंदा सी आवे मौत ते सब नजारे मुक जांदे टुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे ओए लखां तरले पाइए हुण ओ बोलदा नहीं मैं अपनियां कई वारी अपनियां अखां नाल वेखे आए इंज करके बाप चार पाई ते लेटे आए बाप जनाब मौत दी आगोश दे अंदर चला गया है ते बेटी रोंदी है कहिंदी है वे अप्पू एक वारी बोल ते सही ना बेटा कहिंदा है अप्पू जी तुसी जिंदा सो मैनू कोई दुनिया ते मैनू कोई कम नहीं सी अज अप्पू टुर गए अज की बनेगा बेटी कहिंदी है अप्पू जी तुहाडे तो बगैर अप्पू जी वेड़े ही सुंजे हो गए ने ओ मेरे वीर मेरे भरा तेरे ओ लखां तरले पाइए हुण ओ बोलदा नहीं मिन्नता करो हजारां अखियां खोलदा नहीं ओए लुक के मिट्टी हेठां ते चुप हो जांदे ने टुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे ने ओए जग दियां सांझां मुकदियां मुकदियां मुक जावन दिल दियां तांगां मुकदियां मुकदियां मुक जावन खैर जुदाइयां वाले सीने ओए तीर जुदाइयां वाले सीने ठुक जांदे टुर जावन जद बाप सहारे मुख जांदे ओए मौत दा सैका चखना ए रब दा कहना ए दुनिया ते जो आया ओए जाना पैना ए ओए कीते होए वादे आखर मुक जांदे टुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे ओए विच हयाती ओए कम करो विच हयाती कम करो लोकी गाउंदे ने तू जावे हसदा ते ओए लोकी रोंदे ने ओए अजहर रहिंदे ने यार वजूद जो सुख जांदे टुर जावन जद बाप सहारे मुक जांदे आन अपने मापिया दी इज्जत कर ले ओए बुड्ढे बाप दी इज्जत करया कर बुड्ढी मां दी इज्जत करया कर जदों इन्हां दी इज्जत करेगा अल्लाह दी कसम अल्लाह कायनात दे अंदर इज्जत अता कर छड़ेगा मन का न युरीदुल इज्जत वलिल्लाह इज्जत जमीआ ओ लोगो कायनात दे अंदर अगर इज्जत चांदे जे कायनात दे अंदर अगर मुकाम चांदे जे आ फेरा अमाल कर लैन ओए जेड़ा बंदा यतीमां दे नाल प्यार करदा है जेड़ा बंदा किसे यतीम नाल मुहब्बत करदा है अल्लाह यतीम दी मुहब्बत दी वजह तो उस बंदे नूं दुनिया दे अंदर इज्जत अता कर देंदा है ते पता उदों ही लगदा है जदों बंदा यतीम हो जाए मां टुर जाए बाप चला जाए ईद दा दिन ईद दा दिन है हुण ईद आनी है ना थोड़े दिनों बाद या जुमे नूं या हफ्ते नूं अल्लाह दी कसम
जेडे छड़ के टुर गए ने उन्हां दी याद बड़ी सताउंदी है। जो बंदा इंज दस्तरखान ते बैठा हुंदा ओ मां वाली जगह मां नजर नहीं आती, वो बाप वाली जगह बाप नजर नहीं आता, किसे दा भाई बैठा हुंदा है वो नजर नहीं आता, ओए मस्जिदां दे अंदर वो नमाजी नजर नहीं आते, जेड़े पिछली दे अंदर है सन अज चेहरे नजर नहीं आ रहे, वो कमलिया पता नहीं साडे विचों भी अजे किसी ने ईद वाले दिन तक होना है कि नहीं होना, ये तो मेरे अल्लाह नूं पता है। ओए जेड़ा यतीम होए, जेड़े यतीमां दे नाल प्यार करदा है, ईद दा देने ते मेरे आका इंज करके ईद की नमाज पढ़ाने वास्ते जा रहे ने, ते अगों एक बच्चा आ रहा पैरां तो नंगा है, ओए वेखिया एक यतीम नमाणा ते गल कपड़े पाए लीरां, मेरे नबी जा रहे ने मेरे पैगंबर रहमत दा सरापा, ओए वेखिया एक यतीम नमाणा गल कपड़े पाए लीरां, पैरों नंगा ते मुहन धोता ते खस्ता हाल फकीरां, हजरत कहा अज ईद दिहाड़े तू की हाल बनाया, कहन लगा मैं की दुख फोलना ते मर गया मां प्यो मेरा, ओए सुने ओ महबूबा मैं की दुख फोला, ओए की दुख फोला ते मर गया मां प्यो मेरा, घर साडे विच पईयां उजाड़ा ते सुंजा हो गया वेड़ा, ओए हजरत उसनू मार आवाज बुलाया, आ बेटा मैं तेनू सीने लावा तो पुत्र बन जा मेरा, वो मेरे पैगंबर ने सीने दे नाल लाया ते सीना भी होए जी दे बारे अल्लाह दा कुरान कहिंदा है अलम नशरह लक सदरक, फिर कह दो सुभान अल्लाह, इत्थे भी कुरान पढ़िया जांदा है, माशाल्लाह कारी साहब ने कुरान सुनाया है, अल्लाह ताक रात है, दुआ करो अल्लाह इस रात नूं लैलतुल कदर दी रात बना छे, अल्लाह इस रात नूं लेखे ला के साडे गुनाहां नूं मुआफ कर दे, अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह असीं बड़े ही पापी हैं, अल्लाह इन्ने गुनाह ने कि शायद आसमान के सितारे भी इन्ने ना होण, इन्ने गुनहगार हां, लेकिन अल्लाह जी तुसीं ते खुद कहिंदे हो ओ बंदिया जे तू एक कदम आएगा मैं तेरे वल दो कदम चल के आवांगा, जे तू चल के आएगा मैं तेरे वल दौड़ के आवांगा, ओ तू दौड़ के आएगा वह सारे ओहिला मगफीरा, मैं तैनू अपनी रहमत दियां झोलियां दे अंदर बिठा लवांगा, ए मेरे सोहणे अल्लाह जी तुहाडे खूबसूरत चेहरे दा वास्ता है, अल्लाह जिन्ने मस्जिद में आए ने सारयां दे गुनाहां नूं मुआफ कर दे, अल्लाह सारयां दियां गलतियां नूं मुआफ करके नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा दे, अल्लाह तू दुआवां दे कबूल करने वाला है, अल्लाह तू इज्जतां दा मालिक है, अल्लाह इन्हां सारयां नूं इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा दे, अल्लाह मौत भी इज्जत वाली दे छड्डी, उची आमीन कह दियो, जेड़ा बंदा यतीमां नाल प्यार करदा है ऐ मदीने दी गली दे अंदर मेरे पैगंबर ने अपने सीने दे नाल लाया, किते नौज बिल्ला तुसी नबी पाक नालों को बहुते शान वाले ते नहीं, जे मेरे नबी यतीमां नाल प्यार कर सकदे ने तुहानूं की मसला है, असी कहने नहीं नहीं ओ किते माल ना मंग लवे किते पैसे ना मंग ले, खुदा दी कसम है जदों बंदा किसे यतीम नाल किसे मिसकीन दे नाल मुहब्बत करदा ओ जदों इंज तेरी कंड पिछे हाथ चुकदा है ना ओ दी दुआ आसमाना नूं चीर के रब दे अरश ते पहुंचदी है, अगर इज्जत चाहना कायनात दे अंदर ते फिर उस अल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ लै, यतीमां दे नाल मुहब्बत कर, अल्लाह तेनों कायनात दे अंदर इज्जत अता कर छड़ेगा,
ते ये ना सोचिया कर पता नहीं इंज होएगा कि नहीं होएगा। मेरा अल्लाह सब कुछ करन ते कादर है। ऐ वेखना जो रमजान के महीने के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह किया है, इंज करके मेरे आका बैतुल्ला की दहलीज से चढ़ जाते हैं। सारे मक्के वाले बड़े बड़े चौधरी जेड़े अपने आप को बड़ा इज्जत वाले कहते सन, अल्लाह ने तो पहलो ही फरमा छड़िया सी, इन्ना फतहना लाका फतहना। अल्लाह पाक ने जना फतह दियां नवीदां सुना दित्तियां सन। सारे मक्के वाले चौधरी थले खड़े ने, ते दोनों जाना दा सरदार है, अल्लाह ने इज्जतां अता कर छड़ियां ने। अज भी जो बंदा बैतुल्ला की दहलीज नाल लगता है जनाब हजरे असवद नूं बंदा बोसा देन लगता है, अल्लाह तुहानूं सारयां नूं हजरे असवद नूं बोसा देने की तौफीक अता फरमाए। उची यार आमीन कह दिओ। जो बंदा हजरे असवद नूं बोसा देंदा फौरन ज़हन दे अंदर ख्याल आउंदा है ओ जगह है जिथे मेरे महबूब दे होंठ भी टच होए, ऐ ओ जगह है जिथे मेरे नबी दे यारां दे होंठ लगे ने। ओए केड़ा सोना यारो हरम मियां, ओए केड़ा सोना यारो हरम मियां, जिथे पैर नहीं हुंदे गरम मियां। यार बार 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 अंदर आना जाना बैठे रहो बेटा चुप करके। ओए केड़ा सोना यारो हरम मियां, जिथे पैर नहीं हुंदे गरम मियां। ओ सऊदी हुकूमत ने एडा सोना पत्थर लाया है, गर्मी जिन्नी भी होए पैर गर्म नहीं हुंदे। ओए केड़ा सोना यारो हरम मियां, जिथे पैर नहीं हुंदे गरम मियां। ओ जिथे दिल हो जांदे नरम मियां कौला एला इल्लल्लाह, लोकी प्यार नाल करन तवाफ मियां, जिथे गुनाह हो जांदे मुआफ मियां। ओ जिथे दिल हो जांदे साफ मियां कौला इलाहा इल्लल्लाह। गौर करना जरा गौर करना गल मुकदी मुकाइए, लोकी प्यार नाल लांदे चक्कर मियां, नहीं मार दे किसे नू टक्कर मियां, ओ नहीं मार दे किसे नू टक्कर मियां। ओए पैर चुम देनी जन्नत दा पत्थर मियां, कौला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्यों ना नबी दे शहर मदीने दी गल कर जावा, ओ किड्डा सोना शहर मदीना है, ओए किड्डा सोना शहर मदीना आए, ओ जिन्नू वेखिया ठरदा सीना आए, ओ जिवें अंगूठी दे विच नगीना आए कौला इलाहा। अल्लाह इन्ना सारा नू इज्जत अता कर देवी, अल्लाह मौत भी इज्जत वाली दे दे, क्योंकि सारी इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है। मन का ना युरीद इज्जत फलिल्लाह इल्म, इज्जत जमीया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। आई साहब कह रहे हैं कि वो अम्मा हलीमा सादिया के कुछ अशार ने वो सुना दियो। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए, जदों माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला नबी पाक नूं लैके गई ना अपने घर, जिवें तुहाडे इस कानूनी दे अंदर किसी नूं अल्लाह बेटा अता करे ते सारियां फिर बीबियां कहिंदे ने आओ जरा वेखण ते चलीए कैसा है, जिवें माँ हलीमा सादिया नबी अलैहि सलातो वसलाम नूं लैके आईयां ने ते सारियां दाइयां वो जिहड़ियां कहिंदियां सन साडियां सवारियां बड़ियां तेज ने, उन्हें आखिया आओ वेखीए ते सही। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए, नी सुनिया हसदा ते दिन चढ़ जांदा है।
नहीं सुने आए हस दा ते दिन चढ़ जांदा है, उंगली उठा के ते चन्न नूं हिलांदा है। एडा बकमाल एडा बकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। नहीं सुने आए रुकदा ते ज़माना रुक जांदा है, नहीं सुने आए जदों रुकदा ते ज़माना रुक जांदा है। जिस वेले चलदा उदों भी चन्न हिल जांदा है। उच्ची कह दे सुभान अल्लाह। जिस वेले रुकदा ज़मान रुक जांदा है, एडी सोहनी चाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। आओ मेरे नाल आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। नी सुनिया हुण ते ओ दीवा भी नी बाल दी, पता करो हुण ते ओ पैसा भी नी गाल दी। एडा बा जमाल सबने जमाल सबने जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے میرے اللہ ساڈے जितने गुनाह ने अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा। ए मेरे अल्लाह साढ़े जितने गुनाह ने अल्लाह दर गुजर फरमा। ए मेरे अल्लाह जी तुसी दुआवां दे सुन वाले जे। सारे यार उची आमीन कह दियो। हो सकदा सांझी आमीन दे अंदर अल्लाह सारयां दा बेड़ा पार कर दे। ए मेरे अल्लाह जी तुसी दुआवां दे सुन वाले जे। अल्लाह तुसी इज्जतां दे मालिक जे। अल्लाह जी जिन्ने भी मस्जिद विच आए ने अल्लाह साडे सारयां दे गुनाह मुआफ फरमा। ए मेरे अल्लाह जी छोटे छोटे बच्चे अल्लाह चिट्टियां वालां वाले बाबे नौजवान बैठे ने, ए मेरे अल्लाह तेरियां बंदियां अल्लाह न बेटियां दे उत्ते हत्थ खाली नहीं मोड़दा। अल्लाह सोहणिया गुनेगार बड़े खताकार अल्लाह जड़ी जिंदगी रह गई अल्लाह इज्जत वाली अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जी अल्लाह जी जिदो दुनिया तो जाइए अल्लाह इज्जत वाली मौत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जी तुसी दुआवां दे सुन वाले जे। अल्लाह सानू सारिया नू पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह नमाज तो बगैर छुटकारा कोई नहीं। अल्लाह अगर असी इज्जत चाहने फन सानू फिर नमाज पढ़नी पैगी। अल्लाह पांच वक्त दा नमाजी बना दे। अल्लाह बा जमात नमाज अदा करन वाला नमाजी बना दे। ए मेरे अल्लाह रमजान दा महीना ते ताक रा दे। अल्लाह तेरे गुनहगार बंदे अल्लाह तेरे खताकार बंदे अल्लाह तेरिया बंदियां लत फैला के दुआवां कर रहे हैं। अल्लाह जेड़े बीमार ने अल्लाह उन्होंने शिफावन फरमा। अल्लाह जेड़े बीमार ने घरां दे अंदर ने या हस्पतालां दे अंदर ने अल्लाह वाइजा मरीज़ तो फाव यशफीन। अल्लाह जो कोई बीमार हुंदा ते शिफावां तू देना है। अल्लाह दुनिया ते दवाखाने बड़े ने पर शिफाखाना सिर्फ तुहाडे कोल। अल्लाह जेड़े बीमार ने अल्लाह उन्हां नूं शिफावां अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जी तुसी दुआवां दे सुन वाले जे। अल्लाह जो सुने जो सुनाया अल्लाह दिखलावे कोलो महफूज फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दियां रौनकां दे अंदर दिन दुगनियां तेरा चौगनियां तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे नमाजी इस मस्जिद दे इंतजामिया इस मस्जिद दे कारी साहब अल्लाह सारयां नूं सेहत आफियत वाली ईमान वाली अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह
अल्लाह जड़े दुनिया तो जा चुके ने, अल्लाह जड़े मोमिन मवाहे दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन दियां कबरां नू जन्नत दा बाग बना दे। अल्लाह पता नहीं कितों टुर जाना है, पता नहीं कितने जिंदगी दी आखिरी शाम आ जाए। अल्लाह अल्लाह तुहाडी रहमत दा वास्ता जे, अल्लाह रमजान दा महीना, अल्लाह दुआ दी कबूलियत दे औकात ने। ए मेरे अल्लाह जी जिदो दुनिया तो जाइए अल्लाह साडा खात्मा बिल खैर फरमा, अल्लाह सानू आखरी वेले अल्लाह कलमा नसीब फरमा, अल्लाह आखरी वेले कलमा नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जी कबर दियां काटियां दे अंदर अल्लाह बड़े सख्त अजाब ने, अल्लाह सानू कबर दे अजाबां कोलो महफूज फरमा। अल्लाह बड़ा दिल कर दे बड़ी दिल दी तमन्ना ते आरज़ू है, अल्लाह जिदो कल कयामत दे दिन तुहाडे नबी पाक हौज़े कौसर ते बैठे होंगे, अल्लाह किड्डे खुशकिस्मत होणगे ओ बंदे जिहड़े नबी पाक दे हत्थां विचों हौज़े कौसर दे जाम पीणगे। अल्लाह सोहणिया गुनहगार ते पड़े आं, अल्लाह सानू वी नबी पाक दे हत्थां विचों हौज़े कौसर दे जाम नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, अल्लाह जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो टुर गए ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दा बगीचा बना दे। ए मेरे अल्लाह अल्लाह जिन्हां पैणा कोल वीर कोई नहीं है अल्लाह उन्हां पैणा नूं नेक वीर अता फरमा। अल्लाह जिहड़े बेटियां दे रिश्तियां दी वजह तो परेशान ने अल्लाह उन्हां मापिआं दियां परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह इन्हां बेटियां नूं अपने घरां दे अंदर सुख नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह इन्हां बेटियां दे दुख नहीं जरे जांदे, अल्लाह बेटियां दी वजह तो मापे परेशान हुंदे ने, कहिंदे ने अल्लाह जींदियां जींदियां बेटी दा घर वस जाए। अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां जवान ने अल्लाह उन्हां दे रिश्ते करन विच आसानियां पैदा फरमा। ए मेरे अल्लाह जी अल्लाह जी बड़े गुने गारा बड़े खताकारा, अल्लाह पता नहीं आइंदा रमजान विच होइए के ना होइए, अल्लाह एक वक्त ऐसा भी होना है साडियां कबरां दे निशान भी मिट जाने ने, साडियां कबरां दे निशान भी खत्म हो जाने ने। ए मेरे अल्लाह जिदो कल कयामत दा दिन होए अल्लाह अपने अरज दा साया नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां नहीं अल्लाह उन्हां दियां औलादां नूं नेक बना, अल्लाह उन्हां दियां औलादां नूं अल्लाह कुरान दा हाफिज़ ते आलमे बामल बना। ए मेरे अल्लाह टुटे फुटे लफ्ज़ां दे अंदर बयान कीता है अल्लाह बड़ियां गलतियां कोताहियां होईयां होणगियां, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह जी ए मेरे सोहणे अल्लाह जी असीं बड़े गुनहगार आं, अल्लाह तुसीं ते अला कुल्ले शैइन कदीर जे, अल्लाह जी तुसीं फालुली मा योरी जे, अल्लाह जी तुसी अली मुंबे जाते सदूर जे। ए मेरे अल्लाह जी जेड़ियां दुआवां साडे हक दे अंदर बेहतर ने अल्लाह सानू बिन मंगिया ही अता फरमा। अल्लाह जेड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे ने अल्लाह इन्हां नू दीनदार बना दे, अल्लाह इन्हां नू अपने वालदैन वास्ते सदका जारिया बना दे, अल्लाह सानू कुरान पढ़न वाला बना दे। आमीन कह दियो। अल्लाह सानू मुआफ करन वाला बना दे, अल्लाह सानू यतीमा नाल प्यार करन वाला बना दे। ए मेरे अल्लाह रात नू उठ के क़यामुल लैल करन वाला बना दे। ए मेरे अल्लाह तुसी दुआवां दे सुन वाले जे, अल्लाह सी ते बड़े गुनहगार आ, अल्लाह तुहाडे दर दे इलावा दर कोई नहीं, अल्लाह तुहाडे दरवाजे दे इलावा दरवाजा कोई नहीं। अल्लाह या रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह या गफूर अल्लाह, ए मेरे अल्लाह 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 जड़े परेशान ने उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह जड़े दुखी ने उन्हां दे दुख दूर फरमा, अल्लाह जड़े गमजदा ने अल्लाह ना दे गम दूर फरमा, अल्लाह जड़े मकरूद ने अल्लाह ना दे कर्जे दूर फरमा, अल्लाह जड़े मकरूद ने अल्लाह ना दे कर्जे दूर फरमा, अल्लाह जड़े गरीब ने अल्लाह एक टाइम दी लभदी है दूजे टाइम दी नहीं लभदी,
अल्लाह जड़े गरीब ने अल्लाह तुहाडे खजानियां दे अंदर कमी कोई नहीं है। अल्लाह उन्हां गरीबां दी गुरबत अपनी रहमत नाल दूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं व क़िना अज़ाबन नार। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफज नज़ीर साहब माशाल्लाह तशरीफ लै आए और भाई तारक साहब उन्होंने अगर गुजारिश है कि अगर तशरीफ लै आए। माशाल्लाह जी हाफज तारक साहब आओ। माशाल्लाह 25,000 रुपया और गिफ्ट है। तारक साहब आओ जी। माशाल्लाह जगह दे भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जिन्हें साथियों ने साढ़े वास्ते पैसे इकट्ठे किए हैं मेरी अल्लाह को दुआ है अल्लाह ने साथियों के रिजक के अंदर अल्लाह माल के अंदर बरकत फरमाए। और हाफिज साहब ने कुरान सुनाया तो सारे दुआ करते हो हाफिज साहब के इलम के अंदर तो अमल के अंदर अल्लाह बरकत फरमा दे। और कारी साहब वास्ते भी दुआ कर दौ जिन्ना कुछ इन्होंने सुनाया मैनू तो तुम सारे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आ जिन्हें इन्होंने पैसे मैंने दिते आ मैनू सिर्फ ये 2500 रुपया चाहिए जो मेरी जरूरत का वा बाकी पैसे मैं दिना वा जाद साहब न ये 3 हिस्से कर देन एक हफ साहब न दे दे एक कारी साहब न तीसरा हिस्सा मस्जिद का जिन्हें मैंने लोड़ सी मैं उन्हें रख लिया अल्लाह तआला कबूल फरमाए जी। बहुत शुक्रिया सारे साथी खाना खा के जाया जे खाना माशाल्लाह बेहतरीन तुहाडे वास्ते तैयार होया सारे साथी खा के मैं तुहानू अपने वल्लों दे दिता तमाम साथी मुनज़म तरीके दे नाल अपना अपना खाना खा के जायो बाहर खाने का इंतजाम है।